जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। ये आपके सामने भी दो स्पीकर हैं और ये एक और तीसरा स्पीकर है। तो ये वाला स्पीकर देख रहे हो आप, ये है मार्शल स्टैनमोर 2। ये एक प्रीमियम ब्रांड है, इसका मैंने डिटेल वीडियो भाई चैनल पे दे रखा है। आप इस ब्रांड के बारे में जरूर जानते होंगे, नहीं तो रोलेक्स सर से कुछ याद आ गया होगा आपको मूवी। ये स्टैनमोर 2 भाई 30,000 के आसपास मिला, सेम प्राइस में ही देखो आप। किलबर्न 2 भी मिल रहा है, कम वोट का है, 36 वोट का है, ये 70 वोट का है। अभी मैं एकदम सस्ते वाले की बात करने वाला हूँ। ये जो किलबर्न 2 है ना, इसके अंदर बैटरी है, इनबिल्ट बैटरी, तो आपको पावर नहीं देने की जरूरत है, नहीं तो इसमें पावर देना पड़ता भाई हमेशा। और किलबर्न 2 जो है वो थोड़ा स्मॉल है, कॉम्पैक्ट है, 20 आवर के आसपास बैटरी से चल सकता है। कोडेक वगैरह सिमिलर है, ज्यादा एक्सपीरियंस के लिए मैंने कहा मेरा ये वाला वीडियो आप जरूर देख लेना। अब मेरे पास एक और स्पीकर है जो कि ये किलबर्न 2 जैसा दिखता है, ये मिला मुझे 4600 रुपीस के आसपास। अब मैंने ये क्यों खरीदा पता, इसका आइडिया आया आप ही में से एक सब्सक्राइबर ने सजेशन दिया था। प्लीज रिव्यू डेसीवुड स्पीकर, दे लुक सिमिलर टू मार्शल स्पीकर एंड दे आर बजट फ्रेंडली, ऑल्सो दे क्लेम टू हैव साउंड क्वालिटी नियर टू मार्शल। और टू बी ऑनेस्ट मुझे इस ब्रांड के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, फिर मैंने क्या किया, उंगली करके गूगल ही किया। सो देसीवुड स्पीकर की वेबसाइट पे चला गया मैं। सो आप कृपया जा सकते हैं, जा रहा हूं मैं दोस्तों। तो जैसे ही मैं इनकी वेबसाइट पे गया भाई, यहाँ पे शार्क टैंक में लोग गए होंगे, यहाँ अलग से हाईलाइट किया हुआ है। तो फिर मैं YouTube पे गया, तो इस वीडियो को जब मैंने देखा तो इनके और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, ये दिखा इनका। और इनका बेसिकली पता टारगेट क्या है, इनका कहना ये है कि मार्शल एक महंगा स्पीकर है जो सब नहीं ले पाते, उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, वुडन मटेरियल में लाके बजट में आपको दे रहे हैं, वही रेट्रो फील के साथ, वही रेट्रो डिजाइन के साथ। जाहिर सी बात है एकदम वैसा कैसे साउंड दे पाएंगे, कहां 4,500 कहां 30,000, बट नियर मतलब आसपास तक जाता है उसका एक्सपीरियंस। और ये लोग इनकी वेबसाइट पे ऑर्डर कर रहे हो तो एनग्रेव भी करा सकते हैं, जैसे लिखा है ना इन्होंने यू फिर ये लव का सिंबल, तो बजट के साथ ये चीजें करने की कोशिश की। सो मैंने ऑर्डर कर दिया। देसी वुड अनप्लग्ड वुडन ब्लूटूथ स्पीकर, रेट्रो डिजाइन, 35 वोट ऑक्स कनेक्टिविटी, 4500 एमएच बैटरी, सुपर बेस। ये पावर केबल है जो कि इतना फिनिश्ड नहीं है, देख रहे हो प्लास्टिक बाहर आ रहा है, चला लेंगे। अच्छा ऑक्स केबल भी है भाई साथ में, ये सही है, स्ट्रैप भी है भाई। तो ये आ चुका है भाई बाहर स्पीकर, मैं बताता हूँ कहाँ स्टैंड करता है, कैसे करता है, सब बताता हूँ। अब मेरे पास स्टैंड मोड 2 है जो कि 70 वोट के साथ आता है, और ये देसी वुड 35 वोट के साथ आता है, तो इनका कंपैरिजन तो प्रॉपर हो नहीं सकता था। लेकिन मुझे टेस्ट करना था किलबर्न के साथ, क्योंकि उसी को एक तरीके से ये बजट में लेकर आता है। तो मैंने जहां से ये बाय किया था मैं उसी शॉप पे गया ऑफलाइन में, तो इस देसी वुड स्पीकर का मैंने ये मार्शल के साथ इसका टेस्ट किया। डेफिनेटली मैं वहां बैठ के प्रॉपर वीडियो नहीं शूट कर सकता था, अच्छे से उसका साउंड एक्सपीरियंस किया, फीचर्स देखे, क्वालिटी को देखा, सब देख के फिर आपको अब बताने जा रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा प्राइस जंप है, प्राइस मैटर करता है, बट जो ये कह रहे हैं ना वुडन फिनिशिंग दी है, एक्चुअली वुडन के बारे में अगर आप नहीं जानते, सिर्फ रेट्रो फील ही नहीं देता ये, वुडन में क्या होता है बेटर साउंड आउटपुट भी आता है। प्रैक्टिकल की बात क्या है, जब मैंने इसको देखा देसी वुड का, कहते नहीं इंस्पिरेशन लो बट एटलीस्ट अपने प्रोडक्ट को फिनिश बनाओ। साउंड क्वालिटी में अभी आता हूँ, बट ये प्रोडक्ट फिनिश्ड ही नहीं कर पाए। सबसे पहले जो इसका स्ट्रैप है, इसको ध्यान से देखो, ये जो इन्होंने स्ट्रैप में होल किया तब ये फिट किया गया, सेंटर में नहीं लगा पाए दोनों तरफ, बेसिक सा काम था। पहली गलती, आप कहोगे बहुत ही छोटी गलती है, अगली गलती किसी स्पीकर के ऊपर ये स्ट्रैप जो होता है वो अलग से रेडी किया जाता है, फिर उसको उसके ऊपर लगाया जाता है, वो अलग अलग मटेरियल का हो सकता है, बहुत सारे ब्रांड में ये चीज देखने को मिल जाएगा। ध्यान से देखो आप, ये बेल्ट है जो मार्केट में आती है, आपने मार्केट में अक्सर देखा होगा, और साइड में ये फिनिशिंग कर देते हैं प्रोडक्ट की अलग से ब्लैक से मटेरियल लगा के, जो चमकता भी हल्का हल्का। ऐसी बेल्टें मैंने बहुत खरीदी भाई अपने स्टूडेंट लाइफ में, जब इसको यहाँ से काट देंगे ना तो ये जो ब्लैक फिनिशिंग है वो इधर नहीं आएगी। अगर आप बेल्ट छोटी करवाते होंगे तो आपको याद होगा, तो यहाँ से इन्होंने गोल गोल काटा हुआ है, और उसके बाद अब जहाँ कटिंग की वहाँ पे फिनिशिंग आ नहीं पाई, वो मटेरियल अलग से लगाया नहीं गया, तो ये बेल्ट जैसा ही लगा मुझे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हर बेल्ट के नीचे ऐसा नहीं होता सॉफ्ट, तो इन्होंने क्या किया बेल्ट के ऊपर ना, तो किसी बेल्ट के ऊपर ये मटेरियल ऐसे चिपकाया जा सकता है, देखो ये बस चिपका दिया गया। इस चीज को बिल्कुल ऐसे मत देखिएगा भाई बजट में मैं इसका मजाक उड़ा रहा हूँ, नहीं, प्रोडक्ट चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, 1,000 रुपए के भी जो प्रोडक्ट आते हैं उसको फिनिशिंग तो देना होता है ना, आप फिनिशिंग में कंजूसी नहीं कर सकते। और देखो यहाँ पे स्पीकर के ये लेदर फिनिशिंग वाला टेक्सचर है, ये वुड पैड जैसी आवाज आती है इसको, मतलब वो करने से ऐसे आवाज करने पे। और नीचे इनका मेन स्पीकर है, ये बटन है जिससे ऑन ऑफ होता है, यहाँ पावर केबल लगेगी, ये ऑन हो जाएगा तो बताएगा भाई, चार्जिंग वगैरह बताता है, यहाँ पे ऑक्स केबल लगेगा, और ये जो तीन बटन दी हुई है ना भाई, यहाँ इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, ये ऐसे लग रहे पहले तो पुरानी सी बटने हैं, प्लस इसको अगर मैं बाहर निकालूं ये ऐसे आसानी से बाहर आ जाते हैं, देख रहे हो
और अंदर लो बजट कहीं से उठा के बटन लगाई गई है किसी लोकल मार्केट से। एक्चुअली ये मेटल का बना हुआ पतला सा है, इसको इन्होंने पेंट किया हुआ और पेंट अंदर तक नहीं कर पाए भाई ये लोग, देख रहे हो अंदर पेंट ही नहीं किया हुआ। ऐसा एक में नहीं, तीनों में ऐसा ऐसा है, जैसे स्प्रे पेंट आता है ना ऐसा लगता है वो लगाया गया हो, फिर ऐसे किसी पे घिस दिया हो किनारे से तो ये चमक गया। तो थोड़ा तो क्वालिटी होना चाहिए था, मतलब फिनिशिंग नाम की चीज। और ये बैक साइड जो इन्होंने ये गत्ता सा लगाया है ना, इसमें भी क्या किया इन्होंने, ये देख रहे हो होल किसी ऐसे सस्ती सी चीज से कर दिया है, कोई प्रॉपर मशीन है ही नहीं जैसे। और ये पावर पॉइंट डिवाइस का होल भी सेंटर में नहीं कर पाए ये लोग। और इन्होंने जो ये लेदर फिनिशिंग यूज किया हुआ है, इसको जहां ले जाके जोड़ा है ये भी सही से यहाँ से पेस्टिंग नहीं करी है, दिख रहा है फेविकोल क्लियर दिख रहा है, फेविकोल से चिपकाया हुआ है, जितनी चीजें चिपकाई है ना ये सब दिख रहा है। और उसको कंपेयर किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ डिजाइन मार्शल जैसा दिखता है। ये देख लो आप मार्शल वाला स्पीकर, सामने अगर आप देखोगे मेटल है, यहाँ पे मटेरियल को छोड़ देते थोड़ी देर के लिए मार्शल वाले की, इसकी चाहे फिनिशिंग हो चाहे सामने जो मेटल का मटेरियल है, चाहे स्ट्रैप हो चाहे यहाँ पे जो लेदर फिनिशिंग हो, हर चीज बहुत ही एक्स्ट्रा एडवांस है। वो तो चलो 30,000 का है, ये 4,500 रुपए के हिसाब से भी इसकी फिनिशिंग नहीं है। अब आते मेन उस पे जो कि साउंड एक्सपीरियंस कैसा है, मेन तो वही है ना। तो ये इसका वॉल्यूम बटन है जो थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स करता है, लेकिन करता है रिस्पॉन्स। ये इसका बेस कम ज्यादा करने के लिए और ये इसका ट्रेबल कम ज्यादा करने के लिए, बिल्कुल जो मार्शल का स्पीकर है ना उस पर भी कुछ ऐसा ही होता है। एक वॉल्यूम का बटन है, एक बेस का है, एक ट्रेबल का है, तो ऐसा ही कुछ आपको स्टैंड मोड पे भी दिखेगा, ऐसा ही कुछ आपको किल बर्न पे भी देखोगे तो कुछ वैसा ही डिजाइन देखने को मिलता है। जब इनके म्यूजिक को सुना जाता है, मैं फुल वॉल्यूम फुल बेस और ट्रेबल को 50% मुझे ये अच्छा लगा, फुल वॉल्यूम बेस भी फुल कर दो ट्रेबल को 50% भी कर दो तब भी डिस्टोर्शन नहीं होता, ऐसे फटने वाली आवाजें नहीं आती। बाकी नॉर्मली फुल बेस नहीं करोगे, थोड़ा कम ही रखोगे, जैसे मैं इसको तो हमेशा 50% ट्रेबल 50% बेस और वॉल्यूम स्वाद के अनुसार। अब साउंड में सबसे पहले बात करते हैं इसका साउंड कैसा है, उससे पहले क्या देसी वुड मार्शल के किल बर्न के आसपास भी जाता है, बहुत सीधा आंसर है नहीं। हाँ आपके मन में अगर ऐसी बात आ रही भाई 6 times लोअर प्राइसिंग पे है वो एक अलग मुद्दा है, ये दूर से एक जैसे दिख सकते हैं, बिल्ड में बहुत फर्क है, साउंड एक्सपीरियंस में बहुत फर्क है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन वगैरह मतलब बहुत फर्क है किसी म्यूजिक लवर को, मतलब एक सेकंड में बता दोगे आप। और ये जो मार्शल का है इसका 36 watt ज्यादा लाउड फील होता है देसी वुड से, सिर्फ 1 watt का ही फर्क है, जबकि ये एक बहुत ही जेनरिक सा स्पीकर है इस देसी वुड के अंदर। बस हाँ ये है कि अगर आपको डिजाइन के लिए रूम में रखना है और डेफिनेटली ये एक लुक देता है, दूर से नहीं पता लगेगा, मैंने तो नजदीक से जो कमियां दिखाई वो दिख रहा है ना, आपको रेट्रो फील देगा, रूम को लुक देगा। पर क्या ये लेने लायक है भाई 4,500 रुपये में? मुझे लगता है इससे बेटर स्पीकर मिल सकते हैं, ऑफिस में रखना है सजावट के लिए, घर में रखना है तो देख सकते हो भाई आप। कोशिश करूंगा मैं, अगर आप कमेंट बताओगे इसी रेट पे एग्जैक्टली एक दो ब्रांड के स्पीकर ऑर्डर करके वीडियो भी दे सकता हूँ, उस टाइम इसको एक कंपैरिजन भी मार देंगे। और फाइनली देसी वुड से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपके लिए एक मस्त सा पॉइंट देता हूँ, किसी प्रोडक्ट को उसके जैसा दिखने पर जब बजट में बनाते हैं ना, अगर वो अच्छा है वो डबल स्पीड से बिकेगा, लेकिन अगर वो बुरा है ना माउथ टू माउथ प्रमोशन नहीं होगी कि भाई मैंने लिया था उसके जैसा लिखता है तू भी ले ले, अपने दोस्त को कोई नहीं कहेगा। तो यही सब कुछ था भाई स्पीकर के बारे में, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।